मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट के गठन पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों के हितों की चर्चा के लिए कृषि कैबिनेट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज के लिए किसान हमेशा प्राथमिकता में रहे हैं, पहले भी कृषि कैबिनेट बनाई गई है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग से प्रस्तुत हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया किसान का बेटा है, स्वाभाविक है किसानों के हित में फैसले होंगे। मैं शामिल हूं, बैठक होगी, किसानों के हितों की चर्चा उसमें होगी। ये अलग प्रकार का विषय रहता है। कृषि का प्राथमिकता हमेशा से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की रही है। पहले भी कृषि कैबिनेट बनी है, पहले भी कृषि का बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में अलग से प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रांत था जहाँ कृषि कैबिनेट थी। देश के अंदर मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत था जहाँ कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। देश के अंदर मध्य प्रदेश ही ऐसा प्रांत था जहाँ लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश के किसानों को मिला। ये एकमात्र स्टेट थी। हमने मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई के रकबे को बढ़ाने में आशातीत सफलता हासिल करके भी हम नंबर वन पर आए। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक रूप से किसानों के हक के फैसले यहाँ होते आए।